Hello friends, once again your guide, your trainer Jaspal Rawat here. Friends, in this video we shall learn the use of was and were. Was and were are used in past tense. Sometimes they are used as main verb and sometimes as helping verb. So let us learn. The use of was and were. The verb was and were are basically helping verbs, but they are used sometimes as main verbs when there is no main verb in the sentence. Was or verb basically helping verbs होते हैं, लेकिन जब main verb नहीं होता है sentence में तो इसे हम main verb की तरह इस्तेमाल करते हैं. ये हम past tense में use करते हैं. Let us see both types. चलो दोनों तरीके से देखते हैं, मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब की तरह. वॉज एंड वर यूज एज मेन वर्ब्स. व्हेन आर दे यूज्ड एज मेन वर्ब्स? कब इस्तेमाल करते हैं हम इन्हें मेन वर्ब्स की तरह? दे शो अस अबाउट समथिंग. वे किसी चीज के बारे में हमको बताते हैं. What was it? क्या था? Who was it? कौन था? How was it? कैसे था या कैसा था? जब इन तीन चीजों का उल्लेख किया जाता है तब हम उन्हें मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं. यूज ऑफ was. Was का उपयोग. इट इज यूज फॉर ए सिंगुलर और वन थिंग. एक आदमी एक वस्तु के लिए हम लोग वॉज का यूज करते हैं. चलो शुरुआत करते हैं व्हाट वॉज से. क्या था? सब्जेक्ट वॉज और उसका वर्णन. दिस वॉज ए मोबाइल. यह मोबाइल था. दैट वॉज ए लेक. वह झील थी. इट वॉज ए चेयर. वह कुर्सी थी. इट वॉज ए काउ. वह गाय थी. ही वॉज ए शेफ. वह खानसामा था. दैट वॉज ए शिप. वह पानी का जहाज था. राम वॉज ए स्टूडेंट. राम विद्यार्थी था. हु वॉज कौन था? सब्जेक्ट वॉज और उसका वर्णन. ही वॉज माई ब्रदर. वह मेरा भाई था. She was a doctor. वह डॉक्टर थी. He was a singer. वह गायक था. She was an actress. वह कलाकार थी. He was a politician. वह पॉलिटिशियन था. He was the principal. वह प्रिंसिपल था. She was my mother. वह मेरी माँ थी. He was a magician. वह जादूगर था. How was it? कैसे था या कैसा था? I was और उसका वर्णन. I was angry. मैं गुस्से में था. He was honest. वह ईमानदार था. She was tired. वह थकी हुई थी. It was wounded. वह जख्मी था. I was sad. मैं दुखी था. He was happy. वह खुश था. She was young. वह जवान थी. It was fine. बहुत ठीक था. तो यहाँ पे कैसे था का वर्णन किया गया है. गुस्से में था, ईमानदार था, थका था, जख्मी था, दुखी था, खुश था, जवान था और अच्छा था. हाउ वॉज कैसे था. सब्जेक्ट वॉज और उसका वर्णन. शी वॉज फेयर. वह गोरी थी. ही वॉज हैंडसम. वह सुंदर था. It was salty. यह नमकीन था. Umbrella was wet. छतरी गिल्ली थी. He was honest. वह ईमानदार था. Sky was blue. आसमान नीला था. Mango was sweet. आम मीठा था. Ram was intelligent.
राम होशियार था. यूज ऑफ वर्ब, इट इज यूज फॉर प्लूरल. पास्ट टेंस में अनेक वचन के लिए वर्ब का उपयोग किया जाता है. व्हाट वर, क्या थे. सब्जेक्ट वर एंड डिस्क्राइब. दीज वर ग्रेप्स, ये अंगूर थे. दोज वर क्रोकोडाइल्स, वे मगरमच्छ थे. वी वर सोशल वर्कर, हम सोशल वर्कर थे, हम समाज सेवी थे. दोज वर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी थे. दोज वर किड्स, वे बच्चे थे. दीज वर फ्लावर्स, ये फूल थे. वी वर सिंगर्स, हम गायक थे. दीज वर टॉयज, ये खिलौने थे. जहां पे वर का उपयोग किया गया है. हु वर, कौन थे. सब्जेक्ट वर्ब एंड डिस्क्राइब. दे वर पॉलिटिशियंस, वे राजनीतिज्ञ थे. वी वर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी थे. दोज वर सिंगर्स, वे गायक थे. दीज वर स्लीपर्स, ये चप्पल थे. दोज वर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी थे. दे वर ओल्ड, वे बुढ़े थे. दोज वर पुलिसमैन, वो पुलिसमैन थे. एंड दे वर वर्कर्स, वे मजदूर थे. How were, कैसे थे. Subject were and describe. Oranges were sweet, संतरे मीठे थे. Girls were pretty, लड़कियां सुंदर थी. Tomatoes were red, टमाटर लाल थे. Females were talkative, महिलाएं बातूनी थी. Children were innocent, बच्चे मासूम थे. Elephants were big animal, हाथी बड़े जानवर थे. Trees were tall, पेड़ ऊंचे थे. Roses were beautiful, गुलाब सुंदर थे. Use of was and were as helping verbs or before main verb. Main verb से पहले was or were का उपयोग. They are in past continuous tense. Past continuous tense में use किया जाता है. It represents that the work was in progress. यानी कि काम चालू था. Use of was before main verb. Was main verb से पहले उपयोग किया जाता है continuous tense sentences में. एक वचन के लिए. It is used to represent singular things. सब्जेक्ट वॉज वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट. सुनीता वॉज वॉशिंग क्लोथ, सुनीता कपड़े धो रही थी. ही वॉज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा था. शी वॉज गोइंग फॉर वॉक, वो वॉक के लिए जा रही थी. इट वॉज मेकिंग नॉइस, वह शोर मचा रहा था. कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध पी रही थी. The dog was barking, कुत्ता भौंक रहा था. It was raining heavily, बारिश जोर से हो रही थी. Ram was watching television, राम टेलीविजन देख रहा था. Use of verb before main verb, it is used for plural more than one things. Verb
मेन वर्ब से पहले कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में लगाया जाता है। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। दे वर गोइंग फॉर पिकनिक, वे पिकनिक जा रहे थे। वी वर प्लानिंग ए पार्टी, हम पार्टी का प्लानिंग कर रहे थे। बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। गर्ल्स वर सिंगिंग सॉन्ग, लड़कियां गाना गा रही थी। चिल्ड्रन वर रिसाइटिंग पोइम, बच्चे पोइम का उच्चार कर रहे थे। काउस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, गायें खेत में चर रही थी। यू वर फूलिंग अस, आप हमें बेवकूफ बना रहे थे। पैसेंजर्स वर बोर्डिंग द बस, पैसेंजर बस में चढ़ रहे थे। इन दिस वीडियो वी लर्न्ड अबाउट वॉज एंड वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। आई होप इट हेल्प यू टू लर्न मोर अबाउट इंग्लिश। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हर शनिवार को मेरे नए वीडियो का इंतजार कीजिए। अधिक जानकारी के लिए मेरा YouTube चैनल एकता स्किल्स विजिट कीजिए और अपने अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाइए। Thank you. Keep learning. Have a nice day.